पितृ पर्वत पर हुए भव्य और दिव्य अनुष्ठान संपन्न हुए, साथ ही नगर भोज का भी आयोजन किया गया। कैलाश विजयवर्गीय इस दौरान हनुमान जी के गुणगान गाते दिखाई दिए। जब विजयवर्गीय से पूछा गया कि क्या हनुमान जी की कृपा से आपको राज्यसभा जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर विजयवर्गीय कहते हुए नजर आए कि मैं जहाँ हूँ हनुमान जी की कृपा से हूँ और वही मेरे लिए बड़ी जगह है। आगे उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि हनुमान जी ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना और मैंने अपना ये कर्तव्य पूरा किया। पितृ पर्वत धार्मिक स्थल हो गया है और मेरी ये प्रबल इच्छा है कि ये स्थान युवाओं के लिए प्रेरणादायी बने और लोग यहाँ आकर अपने पितरों को याद कर सकें। इस जगह की शुरुआत भी इसी संकल्प के साथ हुई थी और लोग यहाँ आए और अपने पितरों की याद में यहाँ पर पेड़ लगाए। पितृ पर्वत पर लहरा रहे हजारों पेड़ इस बात के गवाह हैं कि इस शहर के लोग अपने पूर्वजों को भी उतना ही मानते हैं जितना कि भगवान को पूजते हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस बात ने मुझे प्रेरणा दी कि यहाँ पर मैं हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करूं। राजनीति को लेकर पूछे गए सवाल पर विजयवर्गीय ने कहा कि मैं धर्म की जगह राजनीति की बात नहीं करूंगा। पितृ पर्वत पर हुए समारोह में भी सभी लोग शामिल हुए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। ये उनका हनुमान जी के प्रति प्रेम है और आस्था है जो उन्हें यहाँ ले आया। नगर भोज को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि मैं लाखों लोगों को खिलाने का दावा नहीं करता, ये हनुमान जी की कृपा है और उनकी कृपा से ये रिकॉर्ड अपने आप ही बन जाएगा। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न होने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु नगर भोज में प्रसादी ग्रहण करने पहुंचे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।